तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और इतनी सुबह मैं कभी भी ऐसे रेडी नहीं होता हूँ, बट आज भाई रेडी होना पड़ा क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे। जी हाँ, हम जा रहे हैं नेपाल, वो भी अपनी बाइक से। तो यार काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस ट्रिप होने वाली है ये। मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, बट सारी प्रिपरेशंस हमने कर ली है और बस कुछ ही देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो चलिए, आप भी चलिए मेरे साथ नेपाल, सीधे लखनऊ से। जी हाँ, मैं अभी लखनऊ में हूँ। तो फाइनली गाइस, हम लोग निकल चुके हैं और आ चुके हैं रोड पे। तो देखते हैं आज की जर्नी कैसी रहती है। बाकी आप सामने का व्यू देखो यार, सुबह सुबह काफ़ी ठंडा लग रहा है। और देखते हैं भाई, अभी 9-10 बजे तक तो ये ठंडी लगने वाली है, उसके बाद वेदर नॉर्मल हो जाएगा। एंड भाई, लखनऊ की सुबह की बात ही कुछ और है। फिलहाल हम लखनऊ को छोड़ के जा रहे हैं नेपाल, सिर्फ इंडिया ही नहीं, एक बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो हम फैज़ाबाद हाईवे से जा रहे हैं और अभी लखनऊ से काफ़ी दूर निकल आए, मतलब बाराबंकी पहुंचने वाले हैं। बाकी सूर्य देवता भी निकल चुके हैं और अभी हम लोग ऑलमोस्ट लखनऊ से थोड़ी दूर आ पाए हैं। जबकि हमने सोचा था सनराइज़ होते होते हम अयोध्या तो पहुंच ही जाएंगे, बट यार नहीं हो पाता। स्टोरी वगैरह बना रहे थे अभी हम लोग इंस्टाग्राम के लिए, तो देखते हैं भाई। बाकी राइडिंग में तो फुल मज़ा आ रहा है। पीछे दीपक भाई हमारे बैठे हुए हैं, इनके साथ हम ये राइड कर रहे हैं। मेकअप नहीं करके आया था तो धूल चटा रहे हैं हमको। मज़ा आ रहा है, फुल मज़ा आ रहा है भाई। और यार गोप्रो लगा के कुछ अलग ही अटेंशन मिलती है, मतलब किसी ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ से निकलो ना तो काफ़ी लोग देखने लगते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि अभी मैं नया नया हूँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर नॉर्मल लगने लगेगा। फिर से अगेन आ गए हम फैज़ाबाद हाईवे पर। अभी किसी रेस्टोरेंट पर रुकते हैं यार, भूख लग रही है, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि कुछ खाए पिए नहीं थे हम लोग सुबह सुबह। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम लोग नेपाल बॉर्डर से बस 2 किलोमीटर आगे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं। शायद इनकी एंट्री अलाउड नहीं है दिन में, इसलिए सारे लगे हैं। और पिछले 5-6 किलोमीटर से हम लोग आ रहे हैं और ये कंटिन्यूस हमें ट्रक्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखो, हमें रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा है बिकॉज उस तरफ पूरे ट्रक्स लगे हुए हैं और शायद इनको रात में एंट्री मिलेगी तभी ये अंदर जा पाएंगे। तो अब गाइज, हम लोग एकदम इंडो नेपाल बॉर्डर के एकदम पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमें जो इंडिया का लास्ट गेट है वो दिख रहा है। तो बस यहाँ से जल्दी चलते हैं, अपना बाइक का परमिट बनवाते हैं। बाइक का परमिट यहाँ पे उसको भंसार बोलते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है, मैंने देखा था यूट्यूब पे, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मैं लेके आया हूँ। बाकी हमें सिम कार्ड लेना है, करेंसी एक्सचेंज करवानी है। तो ये 3 काम हमें करवाने हैं, मतलब बाइक का परमिट, करेंसी एक्सचेंज और सिम कार्ड, ये 3 काम यहाँ से हम करवाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे नेपाल की तरफ। तो चलो देखते हैं गाइस क्या है नज़ारा इस नेपाल बॉर्डर का भी, और आपको भी दिखाता हूँ मैं कैसे सारा प्रोसेस होता है। तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग इंडिया नेपाल बॉर्डर पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इंडिया का गेट, इसके बाद है नेपाल का गेट और यहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। यहाँ से हम एंट्री करेंगे तो भाई उसके बाद परमिट वगैरह बनवाना पड़ेगा। तो भाई सही सलामत यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे देखते हैं परमिट वगैरह का क्या प्रोसेस है, फिर आपको बताते हैं। तो ये है गाइस भंसार ऑफिस, चलो चलते हैं यहाँ पे बनवाते हैं। तो अभी गाइस हमारा भंसार बनके आ चुका है, ये है हमारा भंसार। टोटल 8 दिन का हमने बनवाया है परमिट, जिसमें हमें पड़े हैं 1200 नेपाली रुपीज। तो गाइस बाइक का परमिट भी बन गया, सिम कार्ड हमने ले लिया और यहाँ पर हमने करेंसी भी एक्सचेंज करवा ली। सिम कार्ड लेने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आपको बस अपना आधार कार्ड देना है। जो सिम हमने लिया है वो है 200 रुपये का, 200 रुपये में हमें सिर्फ 30 रुपये मिलते हैं बात करने के लिए और डेटा मिलता है 1 GB, तो वो हमने ले लिया है। इसके अलावा हमने डेटा प्लान लिया है 7 दिन का, वो पड़ा है हमें 180 रुपये का, जिसमें हमें 2 GB डेटा मिलेगा अगले 7 दिन तक पर डे। तो 380 रुपये का प्रॉपर सिम मिला है और ये 7 दिन तक काम करेगा। बाकी अगर और दिन हम रहेंगे यहाँ पे तो उसको एक्सटेंड करवा लेंगे। बाकी जो हमने भंसार बनवाया है वो 8 दिन का बनवाया है। तो अभी आप ये गेट देखो भाई, कितना मस्त लग रहा है यार, और रोड्स भी काफ़ी क्लीन है भाई साहब, क्या गेट है, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी साफ सफाई है,
सो देखो भाई नेपाल के नज़ारे आप कितना प्यारा है, मतलब अपने इंडिया जैसा ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, घर वर भी वैसे ही हैं, बट साफ़ सफाई थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको लगेगा। इंडिया के किसी ना किसी रीज़न में आपको इस तरीके के घर मिल जाएंगे। और गाइस हमने पहले सोचा था कि पोखरा जाएंगे सेम डे में ही, लेकिन पोखरा काफ़ी दूर है और मैंने देखा है कि यहाँ से पोखरा जाने में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं, इसलिए पोखरा से पहले एक जगह है तानसेन, वहाँ पर हम आज रुक रहे हैं। तानसेन काफ़ी प्यारी जगह है, मैंने गूगल मैप से उसके फ़ोटोज़ वगैरह देखे थे, तो वहीं पर आज हम रुकेंगे और आगे चल के हमें माउंटेन्स पर राइड करना है। ये जो हाईवे आपको दिख रहा है ये कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद माउंटेन्स वाले रास्ते स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई माउंटेन्स में राइड करने में मज़ा भी आएगी, बट यार रोड्स अच्छे होने चाहिए, अगर रोड्स मज़ेदार नहीं होंगे तब प्रॉब्लम होगी। बाकी यार तानसेन प्यारी जगह है, अगर हम जल्दी पहुंच गए तो एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे, और अगर रात हो गई फिर तो फिर कोई बात नहीं, कल पोखरा जाएंगे। बाकी यार मज़ा आ रहा है, मैं दूसरे कंट्री में अपनी बाइक लेके आया हूँ, राइड कर रहा हूँ। जिस टाइम मैं इस बाइक को परचेज़ किया था उस टाइम मैंने सोचा यार एक बार इसको पहाड़ों पर लेके जाना एक बार, बट आज देखो यार मैं इसको दूसरे कंट्री में भी लेके आ गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, आई एम सुपर प्राउड ऑफ मी। आई नो ये बहुत अजीब लग रहा होगा, बट या ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मैं अपने आप में मुझे प्राउड फील हो रहा है। चलो भाई अच्छा लग रहा है, जो जो सोचा था वैसा ही हो रहा है अभी तक, तो बाकी देखते हैं तानसेन पहुंचने के रास्ते कैसे हैं। अब यार यहाँ पे जो हमें रास्ते मिल रहे हैं, देखो यार ख़राब रास्ते शुरू हो गए हैं, मतलब माउंटेन्स भी स्टार्ट हो गए हैं, हाईवे ख़त्म हो चुका है, और भाई रास्ते तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अगर ऐसे रास्ते होंगे तो तानसेन पहुंचने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो अभी गाइस देखो हम थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं और हमें कितनी प्यारी नदी दिखी है, ओह माय गॉड बहुत ही ख़तरनाक नज़ारा है। तो चलो यार यहाँ पे साइड में बाइक को लगाता हूँ और देखता हूँ क्या है सीन यहाँ का। अभी हम लोग तानसेन की तरफ जा रहे थे और रास्ते में थोड़ा सा माउंटेन हम चढ़े हैं और यहाँ पे हमें एक बहुत ही प्यारी नदी दिखी है, तिनायू रिवर इसका नाम है, गूगल मैप पे मैंने देखा है। ये देखो गाइस ये रही, एज यू कैन सी कितना क्रिस्टल एंड क्लियर वाटर है, जूम करके दिखाता हूँ मैं, वाओ इट इज़ डैम ब्यूटीफुल, पूरा पूरा आप देखो व्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी बाइक लगा ली है और इधर भी माउंटेन्स हैं, ये रही रिवर और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है ना, सुकून भाई सुकून, यही तो चाहिए था दीपक भाई यार, सच में यार नेपाल इज टू गुड, यही तो चाहिए ना। तो अभी आप देख सकते हो रोड्स कितने ख़राब हैं, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है और बहुत सारे पैचेस भी हैं। बाकी यहाँ पहाड़ों पे एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि अपनी लेन में चलो, अगर आप अपनी लेन में नहीं होगे तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सामने से अचानक से गाड़ी आती है। अब मुझे नहीं लग रहा कि हम तानसेन में कुछ घूम पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, बस तानसेन पहुँच जाएँ यही बहुत है। तो भाई फाइनली हमने जो अपना टारगेट सेट करा था तानसेन पहुँचने का, अभी हम पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पर एक होटल ले लिया है, यहीं पर हम हैं, यहीं पर हम स्टे कर रहे हैं, कल जाएंगे हम यहाँ से पोखरा के लिए। और यार तानसेन भी काफ़ी प्यारी जगह है, बट यहाँ आते आते शाम हो गई तो हमने यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज़ अंधेरा था, कल मॉर्निंग में शायद हम कुछ रिकॉर्ड वकॉर्ड करें यहाँ का अगर टाइम मिलेगा तो। तो बस यार आज का ये सफ़र यहीं तक रखते हैं, मतलब कि हम लखनऊ से चले थे, आए नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया और अभी तानसेन तक पहुँच चुके हैं, कल पोखरा जाएंगे एंड उसके बाद फिर पोखरा को एक्सप्लोर करेंगे। तो बस यार इस नेपाल ट्रिप का डे फर्स्ट यहीं पर एंड होता है, आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड अच्छा भी लगा होगा, आने वाले व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे बिकॉज अब शुरू होगा असली एडवेंचर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।